हम लोग कई बार कंपल्शन नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स टेक इट वेरी लाइटली, लाइक द स्टूडेंट टेक द सब्जेक्ट एज वेल एज द सब्जेक्ट टीचर वेरी लाइटली. एंड वेयर एज द सब्जेक्ट राइट नाउ विच वी आर स्टडिंग और विच वी आर डीलिंग, नॉट एग्जैक्टली स्टडिंग, जो हम लोग सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सम और द अदर वे, वॉट एवर मे बी दी ब्रांच, राइट, वॉट एवर मे बी दी ब्रांच, आपका कोई भी ब्रांच हो सकता है, यू मे बी फ्रॉम आईटी, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मे बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, दिस बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक और फंडामेंटल्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. एंड नाउ डेज इफ द स्टूडेंट इज पासिंग फ्रॉम से मैकेनिकल, इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट देयर दैट दैट पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियर कैन गेट द जॉब इन द मैकेनिकल फील्ड ओनली, ही और शी मे गेट द जॉब इन सम अदर सेक्टर, राइट. लाइक यू नो, अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि राइट नाउ द रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे मिनिस्टर अभी फिलहाल चुने गए हैं सेंट्रल लेवल पर, दैट पर्सन इज फ्रॉम आईआईटी, ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी. सो आपका स्ट्रीम कोई भी है, यू मे बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, यू मे बी फ्रॉम ऑटोमोबाइल, यू मे बी फ्रॉम मैकेनिकल, मे बी प्रोडक्शन, केमिकल, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू मेक यू हैव अ जॉब और यू गेट द जॉब इन द सेम फील्ड. यस, डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट कि मुझे वो जॉब मिलना चाहिए, या मैकेनिकल फील्ड का रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड का रहना चाहिए, या फिर आई वॉन्ट टू, एज आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई जस्ट वॉन्ट टू डू द कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या मुझे उसी फील्ड में रहना है. यस, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, बिकॉज हम लोग वो स्टडी करते हैं, हम लोग जब वो पढ़ते हैं तो उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. बट आज के सिनारियों में अगर देखा जाए तो एक इंजीनियर को एज अ सोशल एनिमल, एज अ इंजीनियर, एज अ कैंडिडेट, ही और शी हैज टू वर्क इन ऑल द फील्ड. ये भी हो सकता है कि आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओ आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या आपको हो सकता है कि यू मे बिकम अ सिंगर, अगर आपका एक सिंगिंग पैशन है, यू मे बिकम अ गुड डांसर, यू मे हैव योर ओन अकेडमी, राइट. सो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, बट वी हैव टू बी रेडी. हम लोगों को खुद को एक उस चीज के लिए रेडी करना, खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है. सो देयरफॉर आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर आते हैं, उन सबको मैं बताता हूँ कि फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक्स विच यू आर स्टडिंग. लाइक जब हम लोग कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, ओ दैट सब्जेक्ट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बेसिक इलेक्ट्रिकल मीन्स व्हाट? द फंडामेंटल्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डील्ड इन द सब्जेक्ट, सो दैट फंडामेंटल्स डेफिनेटली आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, है ना. कोई भी ज्ञान हम लोगों को गलत रास्ता तो नहीं दिखाना, डेफिनेटली दैट ज्ञान गिव्स अस द करेक्ट वे, करेक्ट पाथ टू डील, करेक्ट पाथ टू वॉक, करेक्ट पाथ टू टैकल, राइट. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज वॉट एवर मे बी द फील्ड इज, यू हैव, इट्स गुड इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स. आपका कोई भी एक फील्ड रहे, सो आप पहले कहा जाता था लाइक मास्टर ऑफ वन समथिंग, ऐसा एक कोई कोट था, राइट. आई फॉरगॉट एग्जैक्टली, मुझे अभी वो वर्ड्स रिमेंबर नहीं है, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेंबरिंग दोज वर्ड्स, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स. अब अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं चेकअप करता हूँ, डॉक्टर मुझे कहता है कि भैया नहीं नहीं आपको ऑपरेट करना होगा, या फिर आपको स्कैनिंग करना होगा, एक छोटी सी चीज अगर है तो मुझे खुद को मालूम चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है. और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप खुद के खुद डॉक्टर हो तो कई सारी चीजें आप खुद से ही डील कर सकते हैं. घर पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप खुद ही डील कर सकते हो, खुद ही टैकल कर सकते हो. आपके व्हीकल में अगर कुछ हो जाता है तो व्हीकल में एक स्टार्टिंग एटलीस्ट फंडामेंटल तो आप लोग देख ही सकते हो. तो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कई बार अगर व्हीकल शुरू नहीं हो रही है तो हम लोग एक बार चोक प्रेस करके देखते हैं, अगर व्हीकल फिर भी शुरू नहीं होता है तो वी चेक द पेट्रोल, है ना. सो एक बार पेट्रोल अगर बराबर से नहीं आ रहा है तो पेट्रोल टैंक या पेट्रोल का पाइप जो होता है वो हम लोग चेक कर सकते हैं.
अगर पंक्चर हो चुका है तो एग्जैक्टली पंक्चर किस पॉइंट पे है वो पंक्चर हम लोग देख सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें होती है, मोबाइल अगर आपका काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लाइक वी जनरली पुट इट इनटू द एरोप्लेन मोड, देन वी अगेन ट्राई टू मेक द इंटरनेट ऑन। अगर फिर भी शुरू नहीं होता है या उसको किसी कारण से वो सेटअप चेंज करना चाहता है, तो उसको हम लोग रीसेट मोड पे डाल सकते हैं, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। सो बेसिक नॉलेज आपके पास जैसे मोबाइल से रिलेटेड होता है, या आसपास के जो भी आप मीडियम्स यूज करते हो या गैजेट्स आप यूज करते हो उसके बारे में अगर होता है, तो मुझे लगता है कि यू मस्ट नो द अदर फंडामेंटल्स ऑल्सो। ओके, सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन विच आई वॉन्टेड टू शेयर, और दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर फ्रॉम माई साइड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। मैं ये सोच के चलता हूँ कि दैट नो वन हैज सॉल्व द न्यूमेरिकल, और फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ट्राइड टू सॉल्व दैट यस्टरडेज न्यूमेरिकल, सो आई जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन टू द न्यूमेरिकल विच वी डिस्कस इन यस्टरडेज क्लास। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। अगर बीच में आपको कहीं पर भी डिस्कशन लगता है या इफ यू फाइंड दैट पॉइंट इज टू बी डिस्कस, देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन हैव द डिस्कशन। सो जैसे कल का एक न्यूमेरिकल आपको दिया था होमवर्क के लिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि फॉर नॉट हैविंग फॉर विदाउट एयर गैप यू हैव टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, यानी फॉर विदाउट एयर गैप, ओके विदाउट एयर गैप यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब ये एयर गैप क्या होता है, आई गिव यू द आइडिया अबाउट दैट, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी विच यू हैव टू कैलकुलेट विदाउट एयर गैप, वी आर डूइंग द कैलकुलेशन, इनफैक्ट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन विद एयर गैप, ओके, बट वी विल सी दैट विद एयर गैप वाला न्यूमेरिकल लेटर ऑन। सो MMF फर्स्ट क्वांटिटी विच इज आस्क्ड, जस्ट चेक MMF टू बी कैलकुलेटेड, राइट, ओके। अब सबसे पहले मैं लेट अस राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज, लेट अस राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज, ओके। एन आयरन रिंग 8 सेंटीमीटर मीन डायमीटर, so mean diameter it means small d, because they are saying it is a diameter, and how much is the value, 8 centimeter, so 8 centimeter. Now I can write down this diameter d in meters, so for which I have to use the conversion 8 × 10⁻²⁻ meters, okay. Now this is small d, now capital D which is given 1 centimeter, so now directly I just write the conversion 10⁻²⁻ meters, 10⁻²⁻ meters, permeability, mu r, relative permeability, that is again the relative permeability, that is 900 which is given, and I think all of you know what is absolute permeability, which is written as 4π × 10⁻⁷, and its unit is Henry per meter, that is mu naught, okay. As an iron gap, so right now we are not going to consider that iron gap, that is air gap, that is of 2 mm wide, okay. So let us keep that air gap, later on, like after understanding that air gap fundamentals, we will see that. Now it consists of winding with 400 turns, so what it means, n is equal to 400, then current of 3.5 ampere, so I is equal to 3.5 ampere, and determine these four quantities, MMF, then reluctance, flux and flux density. Okay, so now I have already said for without air gap we are doing the calculation. Based on the given quantities, let us write the expression. MMF is equal to N into R. Now what is the value of N? It is 400. I is 3.5 ampere and therefore it is equal to 1400 ampere turns. 1400 ampere turns. Okay, so this is I think very simple. Yahan par aapko product diya hua hai and you have to put the given quantity. Now, second quantity, total reluctance. Sir, your screen is not visible. Pardon? Sir, your screen is not visible. Okay, screen is not visible. Fine, just a second. Okay, now can you see the screen? Yes, sir. Okay,
मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिख ली है, आई थॉट कि आपके पास आपको विजिबल होगी, बट स्टिल सो एज पर द न्यूमेरिकल द गिवन क्वांटिटीज आर रिटन. द फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज स्मॉल डी, जैसे मैंने आपको कहा 8 सेंटीमीटर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है इनटू मीटर्स. एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप सबका यूनिट सेम, लाइक स्मॉल डी, कैपिटल डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एक्सेट्रा, सबका एक ही यूनिट, एक ही तरीके से अगर आप यूनिट रखते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर. ओके, सो स्मॉल डी इज 8 सेंटीमीटर. नाउ स्मॉल डी इफ इट इज 8 सेंटीमीटर, इट्स कन्वर्शन इज 8 × 10⁻²⁻ मीटर्स. सो स्मॉल डी इज 8 × 10⁻²⁻ मीटर्स. देन राउंड आयरन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर. राउंड आयरन, राउंड आयरन यानी क्या हो गया, आई जस्ट शो. ओके, राउंड आयरन का मतलब ये हुआ कि लाइक दिस, अब ये है एक सर्कल, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और ये है आपका सेंटर ऑफ दैट सर्कल. सो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज डायमीटर. एंड इन आयरन रिंग दैट डायमीटर इज स्मॉल डी, दैट इज कॉल्ड एज मीन डायमीटर. यहां पर हम लोग उसको कहते हैं मीन डायमीटर. ओके, अब दिस कोर इज नॉट अ सिंगल कोर, लाइक इट हैज अ. हेलो हेलो सर. Yes. Hi, beta. Okay. So this is your core. Now this core is wound with certain number of turns. This core is wound with certain number of turns. So these are the number of turns which are wound on the core. These are the number of turns which are wound on the core. Now these number of turns are n. Okay. Now what is the value of n? It is 400. Now the राउंड आयरन, अब ये आयरन कैसा है, इट इज राउंड, तो दिस इज राउंड आयरन, दिस इज कॉल्ड एज राउंड आयरन. एंड इट्स डायमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है उस राउंड आयरन का, सर्क्यूलर, दैट राउंड आयरन का डायमीटर विच इज गिवन इज कैपिटल डी. एंड दैट कैपिटल डी का दैट इज कैपिटल डी का वैल्यू इज 10⁻²⁻ meters. Okay. उसके बाद permeability mu r which is 900, mu naught 4π × 10⁻⁷ Henry per meter. Then n be the 400 number of turns. Current be 3.5 ampere. Okay. So यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है. Now from which we have to find out the value of first. See, we are doing the calculation without air gap. So MMF is equal to n into r. It is 400 into 3.5. Now 400 into 3.5 means 1400 ampere turns. That calculation you can do. Okay. So first quantity is very simple. और मैं already आपको बता चुका हूँ कि suppose एक quantity आपको find करने के लिए कहा जाता है, तो इसका weightage रहना चाहिए 2 marks. जैसे दूसरा quantity find करने के लिए कहा है, तो उसका भी weightage रहना चाहिए 2 marks. Okay. Now in that what you have to do, you have to find out the value of reluctance. Now reluctance is given by L upon mu naught mu r into A. But we don't have the value of L. In place of L, that is mean circumference, yeah, mean length, mean circumference or mean length. Instead of that, they have given diameter, mean diameter. So how we can calculate the value of L? L is equal to pi into D. Now what is that? D is 8 × 10⁻²⁻ into pi. I just write this as 8 into pi into 10⁻²⁻. Right, so just a second. Okay. मैं ये दोनों चीजें पास में लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो व्हाट इज दैट, 8 पाई इनटू 10⁻²⁻
8 pi into 10 is power minus 2 meters. This is what the value of length. अब ये कैसे calculate किया? Pi तो आपके पास है. D का value is 8 into 10 is power minus 2 meters. So therefore we are getting 8 pi into 10 is power minus 2 meters. Now capital A, cross sectional A. So A area is equal. जैसे मैंने आपको कल की क्लास में कहा था, it is pi d square upon 4. Pi r square जिसको हम कहते हैं cross sectional area. So pi d square upon 4. Now ये क्यों हम लोग ले रहे हैं? Because always you have to keep the per round, per आपको round रखना है. अगर आप round नहीं रखते हो तो क्या होगा? जैसे एक just simple example मैं लेना चाहूँगा. आप लोग कई बार संक्रांत में पतंग उड़ाते हो. पतंग उड़ाते वक्त आपके पास मांझा होता है और मांझे को आप कैसे रोल, मांझे को आप कैसे रखते हो? उस रील में रखते हो जो राउंड शेप का हो. रील में कहीं पर भी अगर नोकीला अगर पोर्शन रहता है तो वो मांझा कट हो सकता है. उसी तरीके से अगर राउंड आयरन रिंग में, जो राउंड आयरन रिंग यानी ये वाला जो राउंड आयरन रिंग हम लोग कह रहे हैं ना, अगर यहाँ पर कहीं पर भी नोकीला पोर्शन अगर रहता है तो वहां पर कॉइल या कंडक्टर कट हो सकता है या ब्रेक हो सकता है या उसको डैमेज हो सकता है. उस मैकेनिकल डैमेज को अवॉइड करने के लिए इसको आपको राउंड करना जरूरी है. उसको राउंड करने के अलग अलग तरीके हैं. कई बार उसमें फिलर दिया जाता है, फिलर या पेपर पैकिंग दी जाती है ताकि वो राउंड हो सके. तो ये राउंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. और अगर ये सर्कल है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे दिया जाता है? पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो यहां पर भी वही चीज मैंने लिखा हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया एज पाई आर स्क्वायर. बट एज वी डोंट हैव द रेडियस, नो, एज द डायमीटर इज गिवन, देयरफॉर आई एम राइटिंग व्हाट? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ओके, मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर होगा. सो इट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. अब मेरे पास पाई बाय 4 मैं लिख रहा हूं. डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इट इज 10 इज फॉर माइनस 2. सो 10 इज फॉर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 10 इज फॉर माइनस 4. So this is equal to, अब 1 by 4 है, what we have 1 by 4. So 1 by 4 का मतलब क्या हुआ? 0.25. I think all of you know what is that, 0.25, 1 by 4, यानी 1 by 4 means 0.25. So 0.25 pi multiplied by 10 raised to power, 10 raised to power minus 4 meter square, 10 raised to power minus 4 meter square. Okay. So this is what the cross sectional area. Now what S demands? S is equal to L upon, L का वैल्यू कितना है? 8 pi into 10 is power minus 2 meter divided by mu naught. Mu naught का वैल्यू है, as all of you know, it is 4 pi into 10 is power minus 7, okay, multiplied by mu r, it is 900 into multiplied by 0.25 cross sectional area, 0.25. यहाँ पर मैंने capital small a लिखा है, यहाँ पर capital A लिखा है. Don't get confused. If you want, you can write capital A also. No need, no issue. It is basically representing cross-sectional area. So 0.25 pi multiplied by 10 is for minus 4. Okay. So this much quantity you have to find out. यानी यहाँ पर आपको S का quantity find करना होगा. So what I do is pi pi get cancelled. 4 2s are 8. So what I get is 2 into 10 is for minus 2. अब अगर 100 मैं ऊपर ले लेता हूँ. So, see, as I don't have the calculator right now with me, so therefore I cannot do the calculation. Can anyone tell me, can anyone help me out to get the answer to this S? Can anyone tell me the value of S? Anyone, any student wants to share the answer to this reluctance S? Yes, can anyone tell me the answer to this question, answer to this reluctance? Okay, fine, this I'll try. Pi pi get cancelled, 4 2s are 8. Am I audible? I don't know whether you all are there or whether I am connected with the internet or not. Am I connected? All of you can see the slide? Yes, sir. Okay, so there is no issue with the slide, fine. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, दिस पाई पाई गेट कैंसल, यहाँ पर पाई पाई कैंसल हो गया, 4 2 8. मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, देयरफॉर आई हैव टू यूज
this method of doing the calculation. So this gives me what? 2, 2, then used to have 10 is 4 minus 7 and 900 है, so 900 का 100 ऊपर गया, तो 10 is 4 minus 4, यानी आपका ये quantity और ये quantity और ये quantity आपका cancel हो जाएगा, so this get cancelled, उसके बाद आपके पास बचा है ऊपर 2, right? उसके बाद आपके पास बचा है 10 is 4 minus 7, ये है आपका 25 by 100, 100 ऊपर गया, तो 10 is 4 100 ऊपर गया, तो 10 is 4 plus 7, so 2 into 10 is for 9, I think. 2 into 10 is for 9. So, ये 10 is for minus 7 को ऊपर 10 is for 7 हो जाएगा. ये 25 by 100, 100 ऊपर जाएगा, तो 10 is for 2, 10 is for 7, 10 is for 9 हो जाएगा. So, ये मेरा हो गया यहाँ तक का solved. Now, divided by 9 into 25. So, it gives me 225 into pi. 225 into pi. Right? So 2 into 10 is for 9 upon 225 into pi. So this is what the value of f. So I think students, you can solve the numerical, like remaining part you can do that calculation. Okay. Now third quantity which you have to find is phi. Now phi ka equation will be MMF upon s. See, I have written, upar aap dekh sakte ho, maine answers likh ke rakhe. Yani jo students, ये लिखने का पर्पज मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर उनको वेरीफाई करना है कि उनका आंसर क्या आ रहा है, तो उसके लिए मैंने वो वहां पर उसका इक्वेशन या उसकी वैल्यूज लिख के रखी है. सो नाउ दिस एमएमएफ इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय एस. सो दिस एस दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यहां पर आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा, एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर टर्न पर वेबर. एम्पियर टर्न पर वेबर. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ एस हियर, so that you can get the value of phi in terms of Weber. यहाँ पे इसका unit रहेगा Weber. Okay. Fourth quantity भी आपका लिख के रखा है. So I just make it hurry. Flux density. Flux density can be calculated B is equal to phi upon A. Capital या small A कुछ भी आप use कर सकते हो. Phi का value आपका यहाँ से आ जाएगा. So write down here phi का value. Cross sectional area यहाँ पर हम लोगों ने already लिखा हुआ है. It is 0.25 phi into 10 is for minus 4, 0.25 pi into 10 is for minus 2 meter square, 10 is for minus 4 meter square. Okay, so this B ka value that you can find. Okay, so is it clear to all? Yahan par sirf jo calculator wala part hai that I have left, with otherwise equations, the quantities ka wahan par likhna, everything I have done. मैंने सारी चीजें वहां पर कर दी है. सो ओनली लेफ्ट आउट विद द कैलकुलेशन पार्ट, एंड दैट कैलकुलेशन वाला पार्ट एज अ बडिंग इंजीनियर यू कैन डू. सो आप लोग उस चीज को कर सकते हो. मैथमेटिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होगा. सो आप लोग ये कैलकुलेटर से, हालांकि आपको मैनुअल नहीं करना है, यूजिंग कैलकुलेटर दैट कैलकुलेशन यू हैव टू डू. सो यू कैन इजिली डू द कैलकुलेशन. सो 2 इंटू 10 इज फॉर 9, 10 is for 9 upon 225 upon pi, the 225 pi, एक तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर otherwise you can write down this, जो ऊपर में दिया हूँ. Okay, now anyone have any question related to this question, this numerical? Any query? Okay, चलो, I just move ahead, move forward. Now, जो टॉपिक हमारा एक सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज में बाकी रह गया था, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सी, दिस इज योर मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का डिसिमिलैरिटी. डिसिमिलैरिटी का मतलब ये हुआ कि वी आर कंपेयरिंग मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. वी आर कंपेयरिंग मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो सिमिलैरिटीज हमारी हो चुकी है. वी ऑलरेडी डिस्कस द सिमिलैरिटीज. देयर आर 14 पॉइंट्स फॉर सिमिलैरिटीज. नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिसिमिलैरिटी. सो डिसिमिलैरिटी यानी कंपैरिजन क्या है, उन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है. सो हाउ बोथ सर्किट्स कैन गेट डिफरेंशिएटेड. सो द पॉइंट्स व्हिच वी कंसीडर्ड आर, फर्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डजंट फ्लो इन सर्किट, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन. इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे अगर किसी मैग्नेटिक कोर को मैं लेता हूं हाथ में, या फिर इवन मैग्नेट को मैं अगर हाथ में लेता हूं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें से फ्लक्स डेवलप हो चुका है. लाइक आई कैन नॉट सेंस दैट फ्लक्स.
So magnetic flux doesn't flow in circuit, that it means. But if I just consider, if I just hold the naked conductor, अगर मैं naked conductor को मैं hold करता हूँ, तो क्या होगा? मुझे shock लगेगा. I'll find the shock. बराबर है? So it means what? I can sense that flow of current. So magnetic flux doesn't flow in the circuit, but it is always there. Electric current actually flows in the electric circuit. Okay, that is what the first difference. Second difference. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि करंट को इंसुलेट करने के लिए वी हैव इंसुलेटर, जैसे ये है प्लास्टिक, सो दिस प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, रबर इज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वुड इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इवन एयर एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, बट देयर आर नो मैग्नेटिक इंसुलेटर, कोई भी मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है. इफ वी डेवलप दैट मैग्नेटाइजेशन इन द सर्किट इन द सिस्टम, देन वी कैन हैव दैट मैग्नेटाइजेशन with the system. So अगर आप उसको magnetize कर देते हो तो we can have that magnetization. So there is no magnetic insulators. There is no magnetic insulators. There are number of electric insulators present. Okay. Then magnetic lines of forces are closed loop. Magnetic lines of forces यानी जो flux आपका develop होता है N pole से शुरू होकर S pole पे end होता है. But S pole से होते हुए फिर से वो N pole की तरफ जाता है. So like we know for N pole and S pole there is force of attraction. For N pole to N pole there is magnetic repulsion. So how those lines of forces get developed? Those lines of forces have the closed path, starts from N pole, reaches to S pole, and again from S pole to N pole. So there is always a closed path between the magnetic lines of force. Whereas in electric current there is no closed path, because in electric current it starts from positive and ends at negative. यानी जैसे अगर हमारे पास बैटरी है, आई जस्ट शो यू, अगर आपके पास बैटरी है, दैट बैटरी इज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. बैटरी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. सो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में करंट फ्लो होगा, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंड द फ्लो करंट. बट इन केस ऑफ एन पोल एंड एस पोल, लाइक इफ द पोलैरिटीज आर एन पोल एंड एस पोल, सो फ्लक्स विल स्टार्ट फ्रॉम एन पोल, रीचेस टू एस पोल, बट दैट विल क्लोज द पाथ, लाइक विल रीच टू एस एन पोल ऑल्सो. And therefore, this flux they have always a closed path. Okay, this is your third. Now fourth one, magnetic circuit always a closed circuit. अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया, lines of forces are closed, and therefore magnetic circuit always a closed circuit. Whereas electric circuit cannot be closed. Electric circuit can be closed or open. Electric circuit can be a closed circuit or open circuit. जैसे magnetic circuit को हमने always क्या कहा? Closed. यानी अगर मैं magnetic circuit N pole और S pole भी consider करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर हमेशा closed circuit दिखेगा. अब अगर electric circuit में consider करता हूँ, suppose electric supply मैंने दिया हुआ है किसी resistance में, so this resistance if it is connected through switch, अगर वो switch से connected है, so if the switch is open, then the circuit is open. If the switch is closed, then the circuit is closed. So electric circuit can be closed circuit or open circuit, whereas magnetic circuit always be a closed circuit. For an example, suppose आपके पास एक magnet दिया है, ये magnet आपका N pole है और S pole, तो इसके बीच में magnetism, इसकी जो magnetism property, इसके बीच में magnetism. अब इस magnet को मैं दो parts में divide करता हूँ, या इसको break करता हूँ, तो break करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? Either I'll get N pole S pole, या फिर I'll get N pole N pole. यानी फिर से मुझे क्या मिलेगी? उसमें पोलैरिटी ही मिलेगी, और वो पोलैरिटी कैसे रहेगी? क्लोज पोलैरिटी. दैट पोलैरिटी इज ऑलवेज अ क्लोज पोलैरिटी. ओके, सो इट मींस द मैग्नेट का प्रॉपर्टी जो होता है, दैट मैग्नेट इज द प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज विद द मैग्नेट. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैन मेक एंड ब्रेक डिपेंड्स ऑन द स्विच. अब स्विच को अगर आपने ओपन कर दिया, तो क्या करंट उसमें से पास होगा कि नहीं होगा? करंट पास नहीं होगा. इसका मतलब यू आर मेकिंग स्विच ओपन एंड हेंस यू आर डिस्कनेक्टिंग द सर्किट करंट. ओके, दैट इज फोर्थ पॉइंट. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक एनर्जी इज इनिशिएटेड नीडेड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन. यानी कई बार क्या होता है कि एक बार आपने अगर मैग्नेटाइज कर दिया उसको, सो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इज ऑलवेज विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम. जैसे मैंने अगर एक मेटल पार्ट को मैग्नेटाइज कर दिया, तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इस मेटल पार्ट के साथ है. अब उस मेटल पार्ट के सामने अगर कोई दूसरा और मेटल पार्ट आप रख देते हो, तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की वजह से दूसरा मेटल पार्ट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड इनिशियल बट नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, वेयर एज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टू बी कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड.
यानी जब तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी तब तक वो सर्किट ऑपरेट होता रहेगा। जैसे अगर मैं फैन यूज कर रहा हूँ या फिर मैं आपका सप्लाई आपका आपका लेक्चर सप्लाई पे ले रहा हूँ, यानी सप्लाई गिवन टू द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग। सो अगर मैं सप्लाई स्विच ऑफ कर दूँ तो क्या होगा, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, लैपटॉप अगर मैं स्विच ऑफ करूँ तो उसमें बैटरी है, बैटरी स्टैंड बाय के ऊपर वो सप्लाई चलते रहेगा, बट सप्लाई चलते रहेगा। बैटरी अगर आप निकाल देते हो तो वो डिस्कनेक्ट होगा। मोबाइल मोबाइल फोन मैं चार्ज करता हूँ, बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ मोबाइल फोन के, सो मोबाइल फोन इज वर्किंग ऑन दैट सप्लाई। लेकिन सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट कर दूँ तो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल से अगर बैटरी मैं निकाल दूँ तो बैटरी जैसे निकाल देते हो तो मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। सो इट मींस व्हाट, दैट मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी रिक्वायर्ड इनिशियली, बट फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम दैट एनर्जी कैन बी विदस्टैंड। Whereas in electric circuit, the energy is required for a period, for a longer period. And continuously you need that electrical energy. Okay, that is what the fifth point is. Flux can pass through air. Flux air से pass होता है, लेकिन current cannot pass through air. अगर आपने socket जैसे देखा होगा, आपको याद होगा तो घर पे sockets हैं, इस तरीके के sockets हैं। तो ये socket जो है, the purpose of that socket is purpose of that socket is to connect the plug से connect करना है, so that we can connect external appliances with that. जैसे मुझे TV connect करना है, तो external socket मुझे लगेगा, so external plug can be connected with the socket, है ना? So ऐसे वक्त you need to have that socket, you need to have a socket. So जैसे ये phase है, ये एक neutral है, तो इन दो circles के बीच में there is no supply available. जब तक आप इसके बीच में कोई सप्लाई सर्किट कनेक्ट नहीं करते, जैसे कोई अप्लायंस आप कनेक्ट नहीं करते, तब तक इसमें से करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब इसके बीच में मीडियम कौन सा है, एयर, देयर इज अ एयर एज मीडियम। सो फ्लक्स कैन पास थ्रू एयर बट करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर, सो एयर एक्ट्स एज अ इंसुलेट, एयर एक्ट्स एज अ इंसुलेट। ओके, सो फ्लक्स कैन पास थ्रू एयर, करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर। Then we have a special quantity like mu naught 4.2 10 to the power minus 7. But in case of electrical, there is no mu naught quantity present. Electrical mean no mu naught quantity then. So these are the seven differences, comparisons between magnetic circuit and electric circuit. इसको quick revise कर देते हैं। पहला point आपको कहा कि flux doesn't flow in circuit, उसको हम just कहते हैं कि yes flux is there, flux links, flux doesn't flow, flux links. Whereas current actually flows through the circuit. Okay. Then there is no magnetic insulator. Like electric insulator, we have rubber, wood, air, plastic, etc. are the electric insulators which we define. But likewise, we don't have the magnetic insulators. Okay. Then magnetic lines of forces are always closeless. And hamesha wo close hoti. Whereas electric lines of forces are maybe electric lines of forces are not closed. Magnetic circuit is always a closed. Or but electric circuit is a closed or a open. Okay. Then magnetic energy is all initially required but not required for a period. Then electric energy is always required. जब तक आपको उस मोटर को चलाना है या जब तक आपको ट्यूबलाइट को ऑन रखना है, उसके लिए यू नीड टू गिव द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो सप्लाई उस अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा एंड अप्लायंस आपका ऑफ। Then flux can pass through air, whereas current cannot pass through air. We have mu naught as a quantity. In electric circuit, mu naught quantity is not available. Okay. So this is what the comparison which I wanted to share. Just a second, someone, Sanskar. Sanskar, aap kafi late aa rahe ho class mein. It's almost 12 o'clock. Okay, no issue. Okay, now anyone have any question? मयंक आपने कुछ लिख के रखा है, इट इज 2830856.334, व्हाट इट मींस, अच्छा दैट इज व्हाट द आंसर मयंक, ओके फाइन, थैंक यू मयंक, ठीक है फाइन। सो दोज हु हैव नॉट रिटर्न दैट प्लीज चेक द आंसर टू रिलक्टेंस, आई थिंक ना आंसर टू रिलक्टेंस, so that is what the answer to reluctance, S is equal to Mayank ne jo answer likha hai usko main ek baar repeat kar raha hu. Mayank has wrote 2830856, it's a 7 digit number, please remember 7 digit number. Aur aise bade bade digits hi aapke reluctance mein aate hain, we cannot find small digit numbers. Chalo, hopefully you all are clear with this.
Now, is there any question? अब यहाँ तक कोई सवाल है आपके मन में? Any question? Numerical से related कोई सवाल नहीं है? Difference से related आपके पास कोई सवाल नहीं है? You don't have any question to ask? So this is what? Dissimilarities. Dissimilarities. Okay. Fine. Again, someone wants to be in. Prajwal, you are joining late. Okay, students, try to be on time in the classroom. It's better so that you cannot disturb others as well as the subject teacher. Fine. So let us begin ahead. Let us begin with the next topic. Let us start with the next topic. So the next topic is explain the types of magnetic circuit. जो मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि magnetic circuit के types हम लोगों को पढ़ने हैं. उसके बाद we will see the portion that numerical वाला with air gap wala portion. Okay. So what is written there? Explain the types of magnetic circuits. Explain the types of magnetic circuit. So now, what are the types of magnetic circuits? See, basically magnetic circuits are classified like electric circuits. जैसे electric circuit में आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, you know that there are two circuits. One is called as series circuit. Like if the resistances are connected in series, you call it as a series circuit. If the resistances are connected in parallel, if the resistances are connected in parallel, you call it as a parallel circuit. You call it as a parallel circuit. Now, if you have say R1 and R2, two resistances connected in this pattern called series circuit. If you have two resistances connected in this pattern called as parallel circuit, called as parallel circuit. So now, series magnetic circuit. सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. ओके, अब आपके सिलेबस में यू हैव ओनली सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, यू डोंट हैव पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. सो यहाँ पर आप दो टाइप्स देख सकते हो, वन इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड अनदर इज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, बोथ आर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. सॉरी गाइस, ये मेरे ख्याल से पेन के वजह से हो रहा है. फाइन. So this is called series magnetic circuit. Okay, so this is your first figure. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बीच में. This is your first figure, which is called as series magnetic circuit. लेकिन ये series कौन सा magnetic circuit है? So it is a simple series magnetic circuit. It is a simple series magnetic circuit. सिंपल सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. और आपके पास यू हैव वन मोर सर्किट इन सीरीज ओनली कॉल्ड एज कंपोजाइट. कंपोजाइट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, मे बी वन और टू, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट. सो कंपोजाइट सीरीज कंपोजाइट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, अब आपके पास क्या है? यू सी देर इज अ कॉइल ऑन बोथ द सर्किट्स. देर इज अ कॉइल ऑन बोथ द सर्किट्स. लेकिन इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, इन फिगर वन, देर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लक्स एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ इज सेम. यानी आई मीन टू से एक ही लेंथ है एंड देर इज सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया. There is single length and single cross-sectional area. So therefore, it is called a simple magnetic circuit, or you can say simple series magnetic circuit. Okay. अच्छा, मुझे बताइए series circuit में, series electric circuit में कौन सा parameter आपका constant होता है? Series electric circuit में कौन सा parameter आपका constant होता है?
एनीवन? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इन सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट, इनफैक्ट आप लोगों को याद भी होगा बट अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप लोग. सो सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इज सेम, वेयर एज इन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट करंट डिवाइड्स. ओके, सो लाइक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव सीरीज मैग्नेटिक सर्किट वेयर एज फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट. जैसे यहां पर भी आप देखो फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट. अब वो फ्लक्स कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा? भैया वॉट एवर मे बी द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक कोर देर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन द फ्लक्स. जैसे ये है आपका कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट. कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट में कॉइल एक सर्किट के ऊपर बाउंड है, दिस इज योर कॉइल, एक पर्टिकुलर कोर के ऊपर बाउंड है एंड दैट डेवलप्स द मैग्नेटिक फ्लक्स. Now that flux follows the path of the core. That follows the path of the core. So there is no diversion to that flux. Whereas in parallel magnetic circuit, you find at this point the current divides. इस point पे current divide होगा. एक current आपका pass होगा R1 से और दूसरा current pass होगा R2 से. एक current pass होगा R1 से, दूसरा current pass होगा R2 से. उसी तरीके से यहां पर कोई भी डायवर्जन नहीं है. जैसे अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो यहां से वो फ्लक्स शुरू हुआ, यहां से फ्लक्स शुरू हुआ, ये फ्लक्स इस लिंक इस कोर को फॉलो करते जा रहा है, इट मींस देयर इज नो डायवर्जन टू दैट फ्लक्स. फ्लक्स इज सेम, यस, बट द विच द फ्यू पैरामीटर्स आर चेंजिंग. कौन कौन से? फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया. For this particular core, the cross-sectional area is A1 and the length is L1. यानी इस particular section के लिए length is L1 and cross-sectional area is A1. For this particular section, the length is L2 or say L3 and cross-sectional area is A3 or you can say A2. कुछ भी आप ऐसी कुछ you can give a name to that. So this is L3 and A3. अब यहां पर उसको उन्होंने सेम लेंथ क्यों कहा है? बिकॉज L2 एंड L3 आर ऑलमोस्ट सेम, बट देयर इज एयर गैप. यहां पर एक एयर गैप आपको दिख रहा है, दैट इज LG एंड इट्स ओन क्रॉस सेक्शनल एरिया से AG. सो हाउ मेनी लेंथ आर देयर? वन इज L1, अनदर इज से L2 एंड थर्ड इज LG. ओके, यू कैन कॉल इट एज L3. यहां पर आप कह सकते हो L2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है A2. So A2 and A3 both are same. L2 and L3 both are same. यानी जितना यहां से यहां तक का लेंथ है उतना ही यहां से यहां तक का लेंथ है. ओके, सो L2 L3 both are same. ठीक है, बाकी डिस्कशन देखते हैं. सो L1 L2 L3 आर द थ्री डिफरेंट लेंथ. उसी तरीके से A1 A2 AG आर थ्री डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो एरियाज आर डिफरेंट, लेंथ आर डिफरेंट, बट द फ्लक्स इज सेम. एंड इफ द फ्लक्स इज सेम, the flux density is also same. Okay, so hopefully you all are clear with the concept of series magnetic circuit. Series magnetic circuit is classified into two types. The first type is called as simple series and second is called as composite series. Okay, I'll just show you one more type of composite series circuit. Ab ye hai mere paas ek core. This is called a simple core. Okay, and one side of it is wound. कोई भी एक साइड, एक पोर्शन इसका wound है with certain turns of coil. And here the current passes through that coil. Now another type of core is like this. एंड इफ आई जस्ट से कि यहां से कॉइल किसी एक साइड में कोर की कॉइल है, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. सीरीज क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज फ्लक्स इज सेम. प्लीज रिमेंबर दैट, कंपोजिट सीरीज. एंड व्हाई सीरीज इज सेड? बिकॉज फ्लक्स इज सेम. फ्लक्स
सेम. सो कंपोजिट सीरीज फ्लक्स सेम. अब ये क्या हुआ, यू हैव एल जी लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप एंड दिस इज लेंथ ऑफ से आयरन, सो एल आर. लेंथ ऑफ स्टील अगर है तो यानी इफ द कोर मटेरियल इज स्टील सो लेंथ ऑफ स्टील. अब लेंथ ऑफ स्टील कहां से और कहां तक होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ आयरन. एंड इन बिटवीन दैट यू हैव लेंथ ऑफ एयर गैप, इन बिटवीन दैट यू हैव लेंथ ऑफ एयर गैप. अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस वन. ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहां पर मैं ए कहूंगा, व्हाई, बिकॉज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द एयर गैप इज ऑल्सो ए, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. अगर चेंज करते हैं तो इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द लैम्बडा. इनफैक्ट प्रैक्टिकली वी नीड टू चेंज लैम्बडा, कंसिडर करते हुए उसके कैलकुलेशन की जाते हैं. बट फॉर लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर बेसिक लेवल, सेकेंड सेमिस्टर में आप लोग पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, सो फॉर बेसिक लेवल यू नीड टू जस्ट कंसिडर विदाउट द लीकेज फैक्टर और फ्लक्स लिंकेज. ठीक है, लीकेज फैक्टर मैंने आपको डिफाइन कर दिया. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब यहां पर मैंने ए जी एंड ए या ए आई ए एस ऐसे नाम नहीं दिए. व्हाट आई सेड इज ए. अब प्रीवियस केस में मुझे कहना पड़ा क्यों, प्रीवियस केस में मुझे कहना पड़ा क्यों, बिकॉज यहां पर तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरियाज है. सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बिगर, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर एंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो हियर यू कैन से सी सर ए टू ए थ्री एंड ए जी थ्री आर सेम, ए टू ए जी ए थ्री ये तीनों सेम है, यस यू कैन से दैट. बट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन इज डिफरेंट, ए वन इज डिफरेंट. ओके, होपफुली यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट, स्पेसिफिकली सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. अब आप कहोगे कि सर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कैसे होता है, तो पैरेलल आई जस्ट ड्रॉ दैट पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ये आपके सिलेबस में नहीं है. Guys, I don't know the time exactly. Okay, it's 12:20. Fine. So we have 5 minutes for discussion. Okay. तो ये हो गया आपका parallel. Parallel कैसे मैं आपको बताता हूँ. Suppose coil is bound on this side. यहाँ पर coil bound करके रखी है. और इस coil से current pass हो रहा है. Coil से current pass हो रहा है. तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर डेवलप होगी. अब फ्लक्स कहां तक जाएगी, देखो ना, फ्लक्स यहां तक जाएगी. क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर इस फ्लक्स को दो पाथ मिलेंगे, एक रहेगा ये वाला पाथ और दूसरा रहेगा ये वाला पाथ. सो इफ आई से दिस एज से phi 1 देन आई हैव टू कॉल दिस एज phi 2 एंड दिस वन इज phi 3. दिस एज phi 1, दिस वन इज phi 2 एंड दिस वन इज phi 3. So, ये हो गया मेरा फिर से टोटल फ्लक्स. दिस इज अगेन phi 1 टोटल फ्लक्स. सो ये हो गया आपका phi 3, ये हो गया आपका phi 2. सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है. बट आप मुझे पूछ सकते हैं सर एक टाइप आपने बता दिया सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा टाइप कौन सा है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पहला है आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड सेकेंड इज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स आर प्रिफर्ड फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स आर प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर लाइक द पावर ट्रांसफॉर्मर्स विच वी हैव, maybe step distribution transformers. Okay, for measuring transformers like current transformer, potential transformer, this series magnetic circuits are used. And parallel magnetic circuits are used for power transformers, for distribution transformers, etc. Okay, so this is what all about the series magnetic circuit. This is what all about the series magnetic. ओके, सो इट्स 12:24. आप इसको जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है,
series magnetic circuit ka definition, in series magnetic circuit the same flux phi flows through each part of the circuit. In parallel magnetic circuit the flux phi flows through each part, means separate or different flux pass through, different flux pass through the each part of the circuit. Jaise yahan par humne dekha ki yahan par aapka flux phi 1, lekin is point pe ye phi 1 aapka divide ho gaya, and therefore you are getting phi 2 from this side and phi 3 from this side. Okay, so that's all with this. Ab iske equations halaki hum logo ko develop karne hain composite series ke. So main jo lecture lunga Thursday Friday, us lecture mein I'll develop the equations for composite series magnetic circuit. So that's all with this. Now do anyone have any query? Do what, anyone have any query? Okay, any question? Any question? Okay. See, students, I have to ask whether you have a question, whether you have a query, whether you have a doubt, whether you have something in your mind. Just share. See, जब तक आप share नहीं करोगे ना पता नहीं चलेगा. Okay. Anyone? किसी जिस किसी को पूरा topic समझ में आ गया आज? कितना topic समझा आपको? आज का जो class है आपका 100% समझा? Yes, Pratik. Yes, Pratik. Yes, Pratik. Do you want to share something? Sir, samjha bas uske ke liye. Acha, okay, fine, fine, fine. Okay, thank you so much, dear. Thank you, Pratik. Yes, so same kind of response I am expecting. Acha, kahi baar kaise hota hai na? Hum log kisi function mein jaate hain, kafi tayar hoke jaate hain. Especially youngsters jab tayar hoke jaate hain, so वो एक लाइक इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन दे वांट टू मेक देयर ओन माहौल, है ना. सो अगर उस वक्त कोई उनकी तारीफ ना करे, उनके तरफ कोई ना देखे, तो इनफैक्ट सभी को थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मैंने कुछ अच्छे से पहना नहीं है क्या. वही अगर आप आज आप अच्छा दिख रहे, अच्छे दिख रहे हो, है ना, अगर ऐसा कोई तारीफ आपकी कर दे तो क्या हो जाता है कि सबका ध्यान आपकी तरफ चलता है, आप एक अट्रैक्शन बन जाते हो. सो आपको लगता है कि यस मैं कुछ तो हूँ. तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड उस वक्त जिस वक्त हम लोग उस टॉपिक को डील कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप एक आपका फीडबैक शेयर करें या आप आपका कमेंट दें या फिर आपको समझा नहीं समझा एटलीस्ट आप बताएं तो समझ में आएगा कि वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास फर्स्ट थिंग. भैया स्टूडेंट क्लास में बैठा है कि नहीं, बिकॉज इट्स वर्चुअल. मैं स्टूडेंट्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ, मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप या मैं डेस्कटॉप फेस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फेस नहीं कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट गेटिंग वेदर द स्टूडेंट्स आर रियली सिटिंग देयर और नॉट, और वेदर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग और वेदर द स्टूडेंट्स आर ईटिंग. ओके, सो ये भी सिचुएशन हो सकता है. ओके, लेट इट बी, बट इफ यू स्टिल फाइंड एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी गाइज यू कैन शेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी पॉइंट पे आप मैसेज शेयर कर सकते हो. यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप. ओके, so thank you so much. It's 12:28 now. You just put your attendance in chat box. See, yani ek to hai ki chat box mein maine jaise bola students attendance dalo to student attentive hai, hai na. Okay, chal. Yes, only 1 minute left to join your next class. Pratik, Rutuja, Mayur and Parth.
यूनिट मतलब एक डाउट था कि पर हाँ बोलिए। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का यूनिट हेनरी पर मीटर है, तो वो कैसे आया? हाँ बेसिकली परमेबिलिटी डिपेंड करती है कॉइल पर, और कॉइल यानी कंडक्टर का बना हुआ रहता है, जो कंडक्टर उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसकी परमेबिलिटी यानी जो एबिलिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने की वो कम हो जाती है। सो जो कंडक्टर जब कॉइल बनाता है तो कॉइल का इंडक्टर होता है यानी इंडक्टेंस जिसको हम कहते हैं, और इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर डेवलप होनी चाहिए या उसकी उस कॉइल की जो एबिलिटी है कि फ्लक्स को डेवलप करे ज्यादा से ज्यादा, उसकी एबिलिटी कम होती है। सो देयरफॉर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड देयरफॉर वी हैव अ यूनिट ऑफ दैट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एज हेनरी पर मीटर। हेनरी यानी न्यूमरेटर यानी कॉइल, एंड पर मीटर, मीटर माने लेंथ, तो लेंथ पे वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। इसी समझे। ओके।